हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में ICAR टेक्नीशियन 2022 की परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट नंबर 14 सॉल्व करेंगे। इस मॉक टेस्ट में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूं कि एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें, इससे आने वाली नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा, 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो गाइज, आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से किस राज्य सरकार ने सूखा प्रभावित किसानों को 9,000 रुपए प्रति एकड़ देने की घोषणा की है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ सरकार। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार विपदा की हर घड़ी में किसानों के साथ खड़ी है। जिन किसान भाइयों ने अभी खरीफ सीजन में धान, कोदो, कुटकी, अरहर की बुआई की है, यदि वर्षा के अभाव में उनकी फसल खराब हो जाती है, चाहे उत्पादन हो अथवा ना हो, उन्हें सरकार प्रति एकड़ 9,000 रुपए की सहायता देगी। अगला क्वेश्चन है गाइस, अमेरिका ने हाल ही में समय सीमा से पहले किस देश में अपने 20 साल पुराने युद्ध को समाप्त करने की घोषणा की है। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अफगानिस्तान। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वो चाहते हैं कि सभी अमेरिकी सैनिक 11 सितंबर से पहले अफगानिस्तान से वापस आ जाएं। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप की 1 मई 2021 की समय सीमा को आगे बढ़ा दिया है। तीसरा क्वेश्चन है गाइस, नोबेल पुरस्कार के एशियाई संस्करण रमन मैग्सेसे पुरस्कारों से कितने लोगों को सम्मानित करने की घोषणा की गई है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 5 लोगों को। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। नोबेल पुरस्कार का एशियाई संस्करण माने जाने वाले रमन मैग्सेसे पुरस्कारों से हाल ही में 5 लोगों को सम्मानित करने की घोषणा की गई है। चौथा क्वेश्चन है गाइस, भारत का कौन सा राज्य 100% COVID-19 टीकाकरण करवाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश ने COVID-19 टीकाकरण में बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। राज्य की 100% वयस्क आबादी को टीके की पहली खुराक दे दी गई है। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में किसने सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पंकज कुमार सिंह। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। पंकज कुमार सिंह 1988 बैच के IPS अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, छठा क्वेश्चन, लद्दाख में लेह को किस झील से जोड़ने वाली विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पैगोक झील। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में विश्व की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क लोगों को समर्पित कर दी गई है। लेह को पूर्वी लद्दाख की पैगोंग झील से जोड़ने वाली 18,600 फीट ऊंची जिंगरौल केला तिसो सरकुंचार ताकत से सड़क मोटरेबल सड़क का उद्घाटन सांसद जमयांग सेरिंग नामग्यांग ने किया। इस सबसे बड़ी ऊंची सड़क पर मोटर वाहन चलाए जा सकते हैं। सातवां क्वेश्चन देखिएगा गाइस, भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में भोजन की कमी पर आपातकाल की स्थिति घोषित की है। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, श्रीलंका। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। श्रीलंका ने एक अध्यादेश के तहत खाद्य आपातकाल और एक आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। इसकी घोषणा अधिकारियों को खाद्य पदार्थों के भंडारण और मूल्य निर्धारण पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देती है।
श्रीलंका विदेशी मुद्रा संकट से प्रभावित है, जिसके कारण उसने अपनी मुद्रा का भारी अवमूल्यन किया, जिसके परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति हुई। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों की कोविड 19 वैक्सीन तक पहुंच बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल या ये सभी? तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गूगल। नवा क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने सात नमक पहल का उद्घाटन किया है? लद्दाख, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, सभी? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं विस्तार पूर्वक। उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने यूटी में महिला उद्यमिता को उत्प्रेरित करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ लॉन्च किया है। सरकार की प्राथमिकता महिला और पुरुष उद्यमियों के बीच की खाई को व्यवस्थित तरीके से कम करना, उन महिलाओं को प्रोत्साहित करना जो वर्तमान में विभिन्न व्यवसायों में लगी हुई है, ताकि वे सभी हौसला कार्यक्रम का हिस्सा बन सकें। दसवां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा कि वह अपने पद से इस्तीफा दे देंगे? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जापान। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। कोरोना वायरस महामारी से निपटने में खामियों को लेकर बढ़ती आलोचनाओं के बीच जापान के प्रधानमंत्री योशीहिदे सुगा ने शुक्रवार को कहा है कि वह इस महीने के अंत में सत्तारूढ़ पार्टी के प्रमुख के लिए होने वाला चुनाव नहीं लड़ेंगे। इससे प्रधानमंत्री पद पर किसी नए नेता के आसीन होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, निम्नांकित कथनों में लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से कौन सा कारक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बहुसंख्यकों की तानाशाही। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। औद्योगिक देश ही लोकतांत्रिक व्यवस्था का भार उठा सकते हैं, पर गरीब देशों को आर्थिक विकास के लिए तानाशाही चाहिए, यह कथन सही नहीं है। गरीब देश आर्थिक विकास तानाशाही शासन में नहीं कर सकते, क्योंकि तानाशाही शासन में ना स्वतंत्रता होगी, ना समानता, ना राजनीतिक आर्थिक अधिकार। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सा लोकतांत्रिक शासन पद्धति के संदर्भ में सही नहीं है? सभी लोग आंसर बताते हो चलेगा। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तीव्र आर्थिक विकास दर। 13वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस, इनमें कौन सा तत्व लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है? पूंजी, नेता, अशिक्षा, चुनाव? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अशिक्षा। 14वां क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले 20% लोग आय के कितने प्रतिशत हिस्से पर अपना जीवन यापन करते हैं? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 3%। 15वां क्वेश्चन है गाइस, विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना जाता है? सैनिक तंत्र, राजतंत्र, लोकतंत्र, अधिनायक तंत्र? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लोकतंत्र। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। लोकतंत्र एक प्रकार का शासन व्यवस्था है जिसमें सभी व्यक्ति को समान अधिकार होता है। एक अच्छा लोकतंत्र वह है जिसमें राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की व्यवस्था भी है। देश में यह शासन प्रणाली लोगों को सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। 16वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कृषि क्षेत्र। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी क्षेत्र से सारा कच्चा माल प्राप्त होता है जो कि किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2, 4, 6, 8? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दो भागों में बांटा जा सकता है।
18वां क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, विदेश क्षेत्र? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तृतीयक क्षेत्र। 19वां क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, यह कथन किसका है? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ब्राउन क्रेंस। 20वां क्वेश्चन, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, जीविकोपार्जन। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य जीविकोपार्जन होता है। 21 क्वेश्चन है गाइस, मानव शरीर के आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? ठंडा पानी डालना, गर्म पानी डालना, अस्पताल पहुंचना, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठंडा पानी डालना। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं, प्रभावित व्यक्ति को गर्म जगह से तुरंत दूर ले जाएं जिससे उसका जलना बंद हो, 10 से 30 मिनट तक ठंडा या गुनगुना पानी डालकर जले हुए स्थान को ठंडा करें, बर्फ या बर्फ के पानी का या किसी क्रीम या घी अथवा मक्खन जैसी चिकनी चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, सन 2001 में भारत के किस राज्य में भयंकर भूकंप आया था? राजस्थान, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गुजरात। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं, 2001 में आया तो विनाशकारी भूकंप। राज्य आपदा प्रबंधन अधिकरण के मुताबिक कच्छ जिला अत्यंत उच्च जोखिम वाले भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है, क्षेत्र में 2001 में विनाशकारी भूकंप आया था। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन है गाइस, सूखे के लिए जिम्मेदार कारक है वर्षा की कमी, ज्वालामुखी, बाढ़, ज्वालामुखी क्रिया, सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। सूखे के लिए जिम्मेदार कारक है वर्षा की कमी, तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं, सूखे का कारण क्या होता है? देखिएगा, भूमि उपयोग में परिवर्तन, कृषि के अनुचित तरीके और जल निकासी के मुद्दे से ये सभी मिट्टी के जल अवशोषण क्षमता को कम करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों में कमी, खराब जल प्रबंधन, वनों की कटाई ने सूखे की स्थिति और जोखिम को बढ़ा दिया है। अगला क्वेश्चन, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है सार्वजनिक टेलीफोन, वॉकी टॉकी, मोबाइल रेडियो? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मोबाइल। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं, संचार कारण सबसे लोकप्रिय साधन टेलीफोन या मोबाइल फोन है। टेलीफोन या मोबाइल फोन संचार का लोकप्रिय आधुनिक और तेज माध्यम है जो दो व्यक्तियों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। फोन के माध्यम से हम दुनिया के किसी भी हिस्से में अपने रिश्तेदारों या दोस्तों से तुरंत बात कर सकते हैं। 25वां क्वेश्चन है गाइस, भारत का लगभग कितना प्रतिशत भाग बाढ़ या सूखे से प्रभावित रहता है? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 85%। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं, भारत का लगभग 12% भाग ऐसा है जो बाढ़ से बेहद प्रभावित रहता है, ऐसे क्षेत्रों में हमेशा बाढ़ आती रहती है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अंतरराष्ट्रीय पटल पर निम्नलिखित में से किस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई? एक ध्रुवीय विश्व की शुरुआत, अमेरिका का वर्चस्व में वृद्धि, शक्ति संतुलन का खतरा? तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं, सोवियत संघ के विघटन से शीत युद्ध की स्वतः समाप्ति हुई, पूर्वी यूरोपीय देशों में साम्यवाद का अवसान हुआ और बहुदलीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। सोवियत विघटन से तृतीय विश्व के देशों को गंभीर आघात का सामना करना पड़ा क्योंकि इन देशों को सोवियत संघ से आर्थिक, सैनिक व तकनीकी सहायता प्राप्त होती थी। 27वां क्वेश्चन है गाइस, भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता है?
ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वह इसे भेदभावपूर्ण मानता है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। दरअसल एनपीटी के तहत भारत को परमाणु संपन्न देश की मान्यता नहीं दी गई है। संधि के अनुसार परमाणु संपन्न देशों का दर्जा केवल उन्हीं देशों को दिया गया जिन्होंने 1967 से पहले परमाणु परीक्षण किया हो, जबकि भारत ने पहली बार परमाणु परीक्षण 1974 में किया था। इसी भेदभाव के कारण भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस देश ने नाटो से अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फ्रांस। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। फ्रांस ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया। फ्रांस स्वतंत्र परमाणु निवारक बनाते हुए नाटो की सैन्य संरचना से 1966 में अलग हो गया। नाटो अपने गठन की शुरुआत में एक राजनीतिक संगठन था, लेकिन कोरियाई युद्ध के बाद इसके सदस्य देशों ने इसे एक सैन्य संगठन बना दिया। 29वां क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय पहल पर अमेरिकी वर्चस्व कब से माना जाता है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1991 से। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत 1991 में हुई जब सोवियत संघ का विघटन हो गया और पूरा विश्व एक ध्रुवीय हो गया। वर्चस्व शब्द का अर्थ है सभी क्षेत्रों में सैन्य, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र शक्ति का केंद्र होना। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। भारत को कब से परमाणु शक्ति संपन्न देश की श्रेणी में शामिल किया गया? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2008। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। परमाणु अप्रवास संधि में शामिल ना होने वाले तीन देश जिन्होंने सफलतापूर्वक परमाणु विस्फोट किया, भारत, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्षारीय सहनशील फसल कौन सी है? जौ, मक्का, गेहूं, बाजरा। सभी लोग आंसर बताते हो चलेगा। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जौ। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। धान की पुष्क्रम को क्या कहते हैं? धान की पुष्क्रम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पेनिकल। धान फसल है, धान के पुष्क्रम को पेनिकल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सुपर राइस के जनक किसे कहते हैं? सुपर राइस का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जीएस कुश। इस क्वेश्चन से रिलेटेड सुनहरा चावल एक होता है, उसके बारे में जानेंगे हम लोग। सुनहरा चावल, इसको बोलते हैं गोल्डन चावल, अरिजा सैटिवा चावल का एक किस्म है जिसे बेटा कैरोटीन, जो खाने वाले चावल में प्रो विटामिन ए का अगुआ है, के जैव संश्लेषण के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया जाता है। चावल के वैज्ञानिक विवरण पहली बार 2000 साल में साइंस में प्रकाशित हुए थे। सुनहरे चावल का विकास उन क्षेत्रों में उपयोग करने के लिए किया गया जिन क्षेत्रों में आहार के रूप में ग्रहण किए जाने वाले विटामिन ए की कमी है। 2005 से एक नए किस्म के चावल सुनहरा चावल 2 की घोषणा की गई, जो सुनहरे चावल की तुलना में 23 गुना ज्यादा बेटा कैरोटीन पैदा करता है। वर्तमान में मानव के उपभोग के लिए उनमें से कोई भी किस्म उपलब्ध नहीं है। हालांकि गोल्डन चावल का विकास मानवीय उपयोग के लिए किया गया था, लेकिन इसे पर्यावरण से जुड़े और भूमंडलीय के विरोधी कार्यकर्ताओं के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। अगला क्वेश्चन, गेहूं के पुष्क्रम को क्या कहते हैं? गेहूं के पुष्क्रम को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ईयर। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। गेहूं का स्पाइस स्केलेट पुष्क्रम, इस पुष्क्रम में मुख्य अक्ष छोटा है एवं स्पाइस पुष्क्रम का एक रूप है। 35वां क्वेश्चन है गाइस, धान का कटोरा निम्न में से किस राज्य को कहा जाता है? हरियाणा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, छत्तीसगढ़। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। इस कटोरों में सबसे ज्यादा धान धमतरी से आता है, क्योंकि यहाँ साल में 2 बार धान की खेती होती है। ये भारत के उन खूबसूरत ग्रामीण इलाकों में से एक है जहाँ प्रकृति की सादगी ही उसकी सुंदरता बनती है। धमतरी शहर के चारों तरफ धान की सैकड़ों मिले हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है? धान, सरसों, बीटी, कॉटन, गेहूं।
सभी लोग आंसर बताते हो चलेगा, जो बच्चे सी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बीटी कॉटन, तो बीटी कॉटन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। बीटी कपास एकमात्र ट्रांसजेनिक फसल है जिसे भारत में व्यावसायिक खेती के लिए केंद्र द्वारा अनुमोदित किया गया है। कपास के बोलगर्म का एक सामान कीट का मुकाबला करने हेतु कीटनाशक का उत्पादन करने के लिए अनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सब्जी शोध संस्थान ये कहां पर स्थित है? वाराणसी, लखनऊ, मैसूर, बेंगलुरु। भारतीय सब्जी शोध संस्थान ये कहां पर स्थित है? यह स्थित है वाराणसी में। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाए। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। देश में एकमात्र भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान IIVR सब्जियों की नई प्रजाति किसानों के बीच लाकर पोषण संग आर्थिक सुरक्षा के भी आयाम गढ़ रहा है। 1991 में दिल्ली से वाराणसी में शिफ्ट हुए संस्थान अभी तक 104 नई प्रजातियां विकसित की जा चुकी हैं। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति का अर्थ क्या है? हरित क्रांति का अर्थ क्या है? डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाए। कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसलों की उपज बढ़ाना। हरित क्रांति का अर्थ है खेती करना और फसल उपज बढ़ाना। 39वां क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के प्रवर्तक माने जाते हैं, लेकिन भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय सी सुब्रमण्यम को जाता है। लेकिन M.S. स्वामीनाथन एक जाने माने वनस्पति विज्ञानी थे जिन्होंने हरित क्रांति लाने के लिए सी सुब्रमण्यम के साथ काम किया। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य करता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। वित्त वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक था जो कुल उत्पादन का 32.14% था। राजस्थान उस वर्ष दालों का देश का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक था जो कुल उत्पादन का 13% था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें, इससे आने सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्कशन में दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।